भजन सिंह जी, वाकई आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। भजन जी, वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। शिवा आगे नहीं जाना, इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहें, तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर।
उठा दिया ना तूने अपना स्वरूप, उठा दिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही है, बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई है। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चुकी है। चल। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय उर्फ शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है और उसे एक नई जिंदगी जीने